क्वेश्चन पूछे गया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर एंड द नेगेटिव चार्ज पोसेस्ड बाय देम। गिवन दैट अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10³ एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18। तो देखिए हमने तो स्टार्ट करेंगे, सो क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O कॉन्टेन 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें पता है मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने होते हैं, 2 प्लस, क्योंकि H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि 1 ग्राम ऑफ एटम में कितने, 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होंगे H2। ओके, तो इसके लिए वो नंबर फाइंड आउट करें, एन इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कितना आ रहा है इसका, 18। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हमारे पास एटॉमिक मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18 दिया है, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 × 10⁻³। ये भी क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 3.344 × 10⁻²। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ वाटर में, तो एन इज इक्वल टू एन इंटू 10 इज इक्वल टू 3.344 × 10⁻²² × 1.6 × 10⁻¹⁹। तो क्यू इज, क्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 5.35 × 10⁴ कूलम। तो ठीक है, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, एन इंटू ई, तो एन हमने फाइंड आउट कर लिया था अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 × 10⁻²⁹ को मल्टीप्लाई किया, तो क्यू यानी कि चार्ज जो है हमारे पास आ जाएगा, तो वो है हमारे पास इतना आ चुका है। तो अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो दूसरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।